जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। प्रेमी भक्तों, राम हम सब के माता पिता हैं। हम क्यों चिंता करें? जब हमारे माता पिता हैं तो फिर सारी चिंताएं तो माता पिता की होती हैं। बच्चे क्यों चिंता करें? हम तो उनके बच्चे हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान चिंता कब करते हैं अपने बच्चों की? आप इस उदाहरण के द्वारा समझें। जब हमें जन्म देने वाले जो हमारे माता पिता हैं, वो हमारी सारी चिंताएं करते हैं। जब तक करते हैं, जब तक हम बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद अगर जब तक हम बच्चे हैं जब तक तो करते ही करते हैं। लेकिन अगर हम बड़े हो गए और बड़े होने के बाद हम माता पिता को हर पल याद करते हैं, उनकी सेवा सत्कार करते हैं, उन्हें अपना सब कुछ समझते हैं, दुख सुख उनके साथ शेयर करते हैं, तो फिर हमारी चिंताएं हमें नहीं करनी है। फिर सारी चिंताएं, सारी जिम्मेवारी, सारी टेंशन माता पिता की है। वो हर समस्या से तुम्हें दूर रखेंगे। ये हर पल वो प्रयास करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ, लेकिन वो अपने बच्चों पर आँच नहीं आने दे सकते। प्यारे भक्तों, जो इस जन्म में सिर्फ हमारे माता पिता हैं उनका ये हाल है, तो प्यारे भक्तों, जो अनंत जन्मों से हम सब के माता पिता हैं, थे और रहेंगे, यानी कि भगवान परमपिता परमेश्वर, तो अगर उनको हम पुकारें, सिर्फ उनको याद करें और उनके साथ हम हमारी हर समस्या, हर दुख और सुख दोनों को ही शेयर करें, तो प्यारे भक्तों, फिर तो उनकी चिंता है कि हमारी सारी समस्याएं दूर करें, हमारे हर दुख सुख में वो साथ दें। लेकिन प्यारे भक्तों, हम ना तो उनका नाम जप करते हैं, ना उनके साथ दुख सुख को शेयर करते हैं। और बहुत से साधक तो ऐसे हैं, दुख तो उनके साथ शेयर कर देंगे, सुख तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो हमारा ये पहला कर्तव्य होना चाहिए कि चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, खुश हैं चाहे हम दुखी हैं, हमें उस परमपिता परमेश्वर को सब कुछ बता देना है, उसके साथ शेयर करना, क्योंकि वो सबसे बड़ा मददगार है इस दुनिया में। जब वो हमारा माता पिता ही है, तो माता पिता का काम है चिंता करना या उन चिंताओं से कैसे निमटना है। तो आप तो उन्हें बता के, उनके साथ शेयर करके, और सबसे बड़ा जो काम है वो है उसकी भक्ति करना, उनके नाम का जप करना। आप एक बार ये भी चल जाएगा कि उन्हें कुछ भी ना बताओ, ना उन्हें शेयर करो, ना उनके आगे रोवो, लेकिन अगर उनके नाम का जप नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। उनके नाम का जप करो, भक्ति करो, भजन ध्यान करो, तो वो फिर अपने आप भी सब कुछ समझ जाएंगे प्यारे भक्तों, और तुम्हारी सब समस्याएं ख़त्म कर देंगे, सब दुख दूर कर देंगे, तुम्हारा भविष्य और वर्तमान सब उज्जवल कर देंगे। क्योंकि भूतकाल में जो तुमने कुछ किया है उन सबको वो माफ़ कर देंगे। लेकिन माफ़ जब ही करेंगे जब तुम उनको पुकारोगे, उनको जपोगे, उनका भजन ध्यान करोगे, सुमरण करोगे, क्योंकि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।